अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शबिया नजफ रुस्तम नगर लखनऊ में। हर साल 21वीं रमज़ान को मौला अली अलैहिस्सलाम का ताबूत इसी शबिया नजफ से बरामद होता था और कर्बलाए तालकटोरा जाता था। मस्जिद कूफा लरज उठी, कोहराम बरपा हो गया दोनों जहान में। अरे कोहराम बरपा हो गया दोनों जहान में। मुल्जिम ने आज कैसी मुसीबत ये ढाई है, ने रसूल पाक की शमा बुझाई है। मुल्जिम ने आज कैसी मुसीबत ये ढाई है, ने रसूल पाक की शमा बुझाई है। हजरत, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से 19 रमज़ान और 20 रमज़ान का ताबूत मुलतवी कर दिया गया है। इन दोनों ताबूतों के आगे सवारी पहुँचते हुए मशहूर शायर अहले बैत अली जनाब हैदर रज़ा साहब एक मंज़र पेश करते थे और इस सवारी को लोग सुनते थे और आँखें नम हो जाती थी। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर रज़ा साहब और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि चंद शेर सवारी के वो हमारे मोमिनीन को सुनाएं। कि ऐ रोज़ादारों आहो बुका के ये रोज़ हैं, सादात पर नज़ूल बला के ये रोज़ हैं, तुमसे विदाए शेर खुदा के ये रोज़ हैं, सरताज औसिया की अज़ा के ये रोज़ हैं। ज़ख्मी हुआ इमाम तुम्हारा नमाज में, ज़ालिम ने रोज़ादार को मारा नमाज में। लिखा है जब दुनीम हुआ फ़र्क़े मुर्तज़ा, सिदरा से जिब्राइल के रोने का गुल उठा। है कि सरों से ज़ैनबो कुलसूम ने रिदा, चौका के भाइयों को पुकारी गज़ब हुआ। सुनते हो जिब्राइल ने इस वक्त क्या कहा, वो बोले पीट कर कत्ल अल मुर्तज़ा कहा। मोमिनीन, आखिर में मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द इस बीमारी से हम सबको निजात मिले और ये बीमारी कोरोना वायरस ख़त्म हो और फिर से इंशाल्लाह हम लोग अगले साल हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ताबूत में शिरकत करें और पूरी शान और शौकत से ताबूत उठे। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।